आपलं चॅनल आपला आवाज के टी व्ही न्यूज रत्नागिरी कोकण महाराष्ट्र. देश विदेशातील असंख्य दर्शक आतुरतेने वाट पाहतात ते म्हणजे कोकणातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल के टी व्ही रत्नागिरी. हे न्यूज चॅनल लाईक करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ताज्या घडामोडी पाहायला विसरू नका. के टी व्ही रत्नागिरी. रत्नागिरी येथील इकरा इस्लामिक स्कूल अँड मकतबतर्फे शासकीय रुग्णालयातील गरजू रुग्णांना फळांचं वाटप करण्यात आलं. प्राचार्या वाफा काजी यांनी विद्यार्थ्यांच्या हस्ते फळ वाटप करून त्यांच्या मनातील रुग्ण आणि रुग्णालयाबाबत असलेली भीती दूर करण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला असल्याचं सांगितलं. आज हमारी विजिट सिविल हॉस्पिटल में हुई है आज और ये विजिट थोड़ा बाकी विजिट से हटके है. एक्चुअली हमारा इंटेंशन ये है कि हम अपने बच्चों को एक सोशल अवेयर और सेंसिटिव बनाना चाहते हैं सोसाइटी में जो अनवेल लोगों के तरफ. और इस विजिट से मैं ये सोचती हूँ कि हमारे बच्चे साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्गर और काइंडर बनना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के का फ्यूचर है. हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर सिर्फ उनको मिले, ना कि सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर में अपना नाम करे, बट वो एक अच्छी ह्यूमन बींग भी बनना चाहिए. और इसीलिए हम लोग ऐसे विजिट्स निकलवाते हैं. ये मुझे ऐसा लगता है कि ये विजिट थोड़े हटके है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने काफ़ी चीज़ें सीखी है और उनको काफ़ी चीज़ें पता चली है. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कल को अगर वो किसी बीमार बच्चे को देखे तो उनको देख कर वो थोड़ा हट जाए. मैं चाहती हूँ कि वो उनके दिल में वो भावनाएँ या वो एक हेल्पफुल नेचर क्रिएट हो कि वो जब भी कोई ऐसा बच्चा देखे तो इंशाल्लाह उसका हेल्प करे और इनफैक्ट एटलीस्ट अपने खुद का भी हेल्प करे वो लोग. या प्रसंगी आसिफा हुना, सलवा खतीब, हफ्सा फणसोपकर, बाजीगा पावसकर यांच्यासह डॉक्टर दिलीप मोरे, सिस्टर्स आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. इकरा इस्लामिक स्कूल अँड मकतबच्या भारतामध्ये सुमारे 60 शाखा असून चेअरमन रियाज दानावाला यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेकडो मुलांना शिक्षण दिलं जातं.